हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन्होंने पर्सनली मुझे मेरी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी हेल्प करी। सो जब मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में गेन किया था 20 kg वेट, जो कि एक नॉर्मल वेट है, कोई भी मदर अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर इतना वेट गेन करती ही है। सो जब मेरा बेबी हो गया 1 ईयर का और उसकी डिपेंडेंसी मेरी फीड से ख़त्म हो गई, तब मैंने स्टार्ट करी अपनी वेट लॉस जर्नी। अपने स्टार्टिंग के ही 4 मंथ्स में मैंने रिड्यूस किया अपना 20 kg एक्सेस वेट जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने गेन किया था। सो इस पूरी जर्नी में जिन चीज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी वो थे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। 1, आपका डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे वेट रिड्यूस करना ही है। 2, हमारी फूड हैबिट एंड 3, हमारा वर्कआउट रूटीन। सो आज हम बात करेंगे फूड हैबिट्स के बारे में। फूड को लेके हमारे सबसे ज्यादा गलत जाने के चांसेस होते हैं हमारे इवनिंग स्नैक, जो थ्रू आउट हम फुल डे मंचिंग करते रहते हैं। चलिए मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 ऐसे इवनिंग स्नैक्स जिनको बनाना बहुत आसान है, आप इजीली बना सकते हो और अदर देन वेट लॉस इनके वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला जो हेल्दी इवनिंग स्नैक है वो है कर्ड सैंडविच। सो कर्ड के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, हमारी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। सो कर्ड का हमारी डेली डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट। कर्ड सैंडविच बनाने के लिए मैं लूंगी एक बाउल में 2 टेबलस्पून थिक वाला जो दही होता है वो लेंगे। थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी हरी शिमला मिर्च, 2 से 3 चम्मच ग्रेटेड कैरेट के डालूंगी, 3 चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर कॉर्न, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ व्हीट ब्रेड, अगर आप चाहो तो कोई मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हो। इसको हम कर देंगे कवर और थोड़ा सा बटर लगा लेंगे इसके ऊपर। अब मीडियम गरम पैन पे मैं इसको रख लूंगी और ऊपर लगा दूंगी थोड़ा सा बटर। अब गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। और ये हमारा तैयार है हेल्दी सा कर्ड सैंडविच। सो नेक्स्ट हमारा स्नैक है कॉर्न स्पिनच सैंडविच। सो इसमें डाला है मैंने स्पिनच, जो कि है गुड सोर्स ऑफ आयरन, हाई फाइबर होता है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। कॉर्न के अंदर होते हैं बहुत सारे विटामिन्स जो आपको डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक पैन में थोड़ा सा बटर, मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर ले रही हूँ, आप चाहो तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे कॉर्न। कॉर्न को हमें 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। फिर हम इसमें डाल देंगे कटी और धुली हुई पालक, तो जैसे ही पालक हमारी थोड़ी सी पक जाएगी हम उसको कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे और ये थोड़ी ही देर में डन हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल लेंगे मिक्सिंग बाउल में और मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिल्क ब्रेड, अगर आप चाहो तो व्हीट ब्रेड भी ले सकते हो या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड आती है उसको भी इसके साथ ऐड कर सकते हो। अब जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी उसको हम ब्रेड के ऊपर डाल देंगे और दूसरे स्लाइस से उसको हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे बटर एंड देन हल्के गरम पैन पे हम इसको रख देंगे। जैसे ये दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे और इसी तरीके से हमें दोनों तरफ इसको सेक सेक कर पका लेना है। और ये हमारा रेडी है टेस्टी सा और बहुत हेल्दी कॉर्न और
पालक का सैंडविच। सो हमारा तीसरा स्नैक है वेजिटेबल दलिया। दलिये के अंदर बहुत कम कैलोरीज होती हैं, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इससे हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी हंगर को कंट्रोल में रखता है। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। वेजिटेबल दलिया बनाने के लिए मैं पैन में लूँगी थोड़ा सा ऑयल। जैसे तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची, इनको आधे एक मिनट के लिए सेकने के बाद हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें एक मिनट के लिए भून लेना है, जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई गाजर। अब हम इसे डाल देंगे कटी हुई हरी शिमला मिर्च, आधी कटोरी हरी मटर, आधी कटोरी सोयाबीन की बड़ियां। अब इनको हमें मिक्स कर लेना है और मिला देना है और एक से या दो मिनट के लिए हमें इसमें अपने मसाले डाल के सेक लेना है। मसालों में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, हरा धनिया, हल्दी। अब दो मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। जैसे हमारे थोड़ी सी सब्जियां पक जाएंगी हम इसके अंदर डाल देंगे अपना दलिया। एक बार इसको मिक्स कर देंगे। और दो मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए। दो मिनट बाद हम इसको एक बार फिर से चलाएंगे और एक कप दलिये के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2.5 कप पानी। आप कोई भी कटोरी यूज कर सकते हो। एक चम्मच डाल देंगे इसमें देसी घी। और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे कुक होने के लिए। 15 मिनट के बाद हमारा दलिया बिल्कुल रेडी है, पानी इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। इसको सर्व करेंगे हम प्लेट में और हमारा डिलीशियस और फुल ऑफ न्यूट्रिशन दलिया रेडी है। और हमारा फोर्थ स्नैक है पफ राइस चाट। सो पफ राइस में बहुत सारे फायदे होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, वेट रिडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं। चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। पफ राइस चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पफ राइस। उसमें हम डालेंगे आधा कटा हुआ प्याज, आधी कटी हुई टमाटर, मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम और अखरोट, थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला नमक, चाट मसाला और लेमन डालेंगे इसमें 1/2। इसको दे देंगे एक अच्छा सा मिक्स। हमारी पफ राइस चाट है रेडी। सो अगर आपको मेरी तरह चटपटा पसंद है तो आपको इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो हमारा फिफ्थ स्नैक जो है वो है ऐसा स्नैक जिसमें आपको कुछ कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी टू कैरी है और बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल है, वो है हमारे काले भुने चने। सो काले भुने चने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाई प्रोटीन होना इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अगर आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो तो। ये आपकी बॉडी को काफी टाइम तक फुल रखता है और आपका नेक्स्ट जो कैलोरीज का इंटेक है उसको कम करता है। सेकेंड इसका बेनिफिट है हाई फाइबर होना। हाई फाइबर होने की वजह से ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी में घुल जाता है और कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को भी काफ़ी हेल्प करता है। थर्ड बेनिफिट है बेनिफिट टू डायबिटिक पेशेंट्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होने की वजह से एक सुपर हेल्दी स्नैक है जिसको आप आसानी से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।